फिल्म के शूटिंग से जुड़े 3 अमेजिंग फैक्ट्स। नंबर 1, आपने अक्सर फिल्मों में ऐसे कई सीन देखे होंगे जिसमें कार ब्लास्ट की जाती है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि सिर्फ 5 या 10 सेकंड के सीन के लिए इतनी महंगी कार को कैसे ब्लास्ट किया जाता है? तो दोस्तों, फिल्मों में जिन कारों को ब्लास्ट किया जाता है वो नकली कार होती है। जी हाँ दोस्तों, वो असली कार नहीं बल्कि खिलौने वाली कार होती है। दरअसल कार ब्लास्ट के सीन को ग्रीन स्क्रीन के मदद से तैयार किया जाता है, और फिर जिस कार को पलटना या बॉम्ब से उड़ाने का सीन दिखाना होता है उसे धागे से बांधकर हाथों की मदद से उड़ाया जाता है, जिन्हें एडिटिंग और VFX के बाद एकदम रियल बना दिया जाता है। नंबर 2, आपने फिल्मों में ऐसे कई सीन देखे होंगे जिसमें हीरो या विलेन एक दूसरे के ऊपर कांच की बोतल से वार करते हैं, और आप में से बहुत से लोगों को यह लगता होगा कि ऐसा सीन कंप्यूटर की मदद से एडिट करके बनाया जाता होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। दरअसल जो सीन होता है वो बिल्कुल असल होता है। फिल्मों में जो अक्सर कांच का इस्तेमाल किया जाता है वो नकली कांच होता है, वो शक्कर का बना होता है और हमें देखने पर वो बिल्कुल असली कांच की तरह लगता है। ऐसे कांच की मदद से जब हीरो द्वारा विलेन पे वार किया जाता है तो उन्हें दर्द भी नहीं होता। दरअसल नकली कांच को बनाने के लिए शक्कर को पानी में मिलाकर उसे 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, और उसके बाद उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं। इसके बाद शक्कर का कांच तैयार हो जाता है। नंबर 3, आपने कई बार फिल्मों में ट्रेन और रेलवे स्टेशन के सीन देखे होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि फिल्म के शूटिंग करने के लिए इंडियन रेलवे कितना रुपए चार्ज करता है? आपको बता दें कि अगर किसी शूटिंग के दौरान ट्रेन के एक इंजन और 4 बोगियों की डिमांड की जाए तो ऐसे में रेलवे एक दिन के लिए करीब 50 लाख रुपए लेता है। और कई फिल्मों में दिखाए जाने वाले ट्रेन के सीन फिल्म सिटी में बने आर्टिफिशियल स्टेशन में शूट किए जाते हैं, क्योंकि असली ट्रेन और स्टेशन पर शूटिंग करना काफी महंगा पड़ता है। आपने फिल्मों में ऐसे कई सीन देखे होंगे जिसमें हीरो डबल रोल में नजर आते हैं, जैसे कि सूर्या भंसम, धूम 3 और जुड़वा 2। तो क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में डबल रोल वाले सीन कैसे शूट किए जाते हैं? तो आपको बता दें कि इस तरह के सीन शूट करना एक्टर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसमें एक्टर पहले एक किरदार को शूट करता है, फिर वैसे ही अकेले दूसरे किरदार को शूट करता है, और बाद में दोनों सीन्स को एडिटिंग के समय एक साथ जोड़ दिया जाता है। लेकिन जब डबल रोल वाले सीन में एक किरदार दूसरे किरदार को फिजिकल टच करते हुए दिखाया जाता है तो उसमें ग्रीन स्क्रीन टेक्नोलॉजी की मदद लिया जाता है। इसमें किसी दूसरे डुप्लीकेट को ग्रीन सूट पहनाकर शूट किया जाता है, जिसे सिर्फ रेफरेंस के लिए रखा जाता है, और बाद में इसके सीन को एडिट करके एक्टर के सीन को आपस में जोड़ दिया जाता है, जिससे हमें डबल रोल आपस में टच करते हुए नजर आते हैं। 5 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट बुर्ज खलीफा। नंबर 1, बुर्ज खलीफा का सबसे बड़ा कीर्तिमान ये है कि ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इसकी कुल ऊंचाई 828 मीटर यानी 2717 फीट है। नंबर 2, बुर्ज खलीफा के नाम कई सारे रिकॉर्ड दर्ज हैं, जिनमें दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, दुनिया की सबसे ऊंची लिफ्ट और किसी एक इमारत में सबसे अधिक फ्लोर होने का रिकॉर्ड शामिल है। नंबर 3, बुर्ज खलीफा में प्रत्येक दिन 9,46,000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, और एक दिन में जितना इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल किया जाता है उससे तकरीबन 3,60,000 बल्ब 100 वाट के एक साथ जलाया जा सकता है। नंबर 4, बुर्ज खलीफा को निर्माण करने में ज्यादातर एल्यूमिनियम और कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 5 A380 एयरक्राफ्ट के वजन के बराबर एल्यूमिनियम और साथ ही 10,000 हाथियों के वजन के बराबर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 5, बुर्ज खलीफा के मालिक मोहम्मद अलाबार हैं, जो MR प्रॉपर्टीज के चेयरमैन हैं।